हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष निकमर। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बैक बेंचेस ऑफ स्टॉक्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कल के दिन के निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मेरे मैजिकल लेवल्स, कल के दिन के मेरे प्रेडिक्शन के साथ में। साथ ही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कल के दिन के मेरे बेहतरीन तीनों ब्रेकआउट स्टॉक्स जो कि फ्यूचर इन ऑप्शंस में भी लिस्टेड है, यानी कि आप लोग इनके फ्यूचर्स को या फिर ऑप्शंस को भी अपने रडार पे जो है वो रख सकते हैं। तो आइए चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो को। वीडियो को शुरुआत करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे आज के दिन की हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, उसके एनालिसिस के साथ में शुरुआत करेंगे बैंक निफ्टी के साथ में। सो दोस्तों, पहली 5 मिनट की जो कैंडल है बैंक निफ्टी पे, उसका हाई जो है वो आज पूरे दिन भर में नहीं गया हुआ था। एंड जो हम लोगों ने कल नो ट्रेड जोन डिस्कस किया हुआ था 44,170 से लेकर के 44,000 तक का, एग्जैक्टली इस रेंज के बीच में कम्प्लीटली साइडवेज मार्केट जो है वो आज हम लोगों को देखने को मिला था। निफ्टी के बारे में बात करेंगे तो निफ्टी में भी कम्प्लीटली साइडवेज मूव आज हम लोग को देखने को मिला था। मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा टाइम इस रेजिस्टेंस को जो है वो रेजिस्टेंस लिया हुआ था। सो मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली इस लेवल पे फिन निफ्टी की जो पी है वो 15 रुपये पे बाई करवाई थी, जिसमें 41 रुपीज़ का हाई जो है वो हम लोग को आज देखने को मिला था। अब ये जो मूव है दोस्तों, इसीलिए कल मैंने आप लोग के साथ में कहा था कि मैं चाहे किसी भी इंडेक्स का एक्सपायरी हो, मैं उस दिन जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं हमेशा निफ्टी को जो है निफ्टी का सपोर्ट लेता हूं और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके फिर उस पर्टिकुलर, मतलब जैसे कि अब मुझे लग रहा है कि यहां से निफ्टी नीचे जाएगी, तो जब नीचे जाने का मेरा व्यू है तो मैं फिर निफ्टी के लिए भी जो मेरा एनालिसिस है वो सेल साइड के बारे में ही सोचूंगा और जो मेरी हीरो जीरो की ट्रेड है उसके लिए भी मैं जो पी साइड है उसके बारे में ही सोचूंगा। सो एक हल्का सा ही सही लेकिन प्रॉफिट हम लोग को अच्छा मिल गया। हालांकि उम्मीद थी कि एटलीस्ट इस लेवल तक निफ्टी जो है वो गिरावट इसमें आ जाएगी, लेकिन जो हमारा मैजिकल लेवल था यही पे बहुत अच्छा सपोर्ट क्रिएट हो गया और कम्प्लीटली साइडवेज रेंज में आज हम लोग को मार्केट में क्लोजिंग भी देखने को मिला था। इंडिगो आज के दिन की हमारी पहली ब्रेकआउट स्टॉक थी। पहली 5 मिनट की कैंडल जो है चूँकि गैप डाउन होने के बाद बनी थी, इसका लो पूरे दिन भर में जो है वो नहीं गया था। मार्केट यानी कि स्टॉक जो है ऊपर गया, एक पुल बैक क्रिएट किया एंड देन एक डबल बॉटम का पैटर्न जो है वो इसमें हम लोग को देखने को मिला और काफ़ी शानदार अप ट्रेंड जो है वो स्टॉक में आज हम लोग को देखने को मिला, यानी कि सी साइड में बहुत बेहतरीन प्रॉफिट जो है वो आज हम लोग को देखने को मिला था। दूसरी ब्रेकआउट स्टॉक हम लोगों ने डिस्कस की थी वो थे डेविस लैब की। स्टॉक के बारे में अगर बात करेंगे तो पहली 5 मिनट की कैंडल, दूसरी और तीसरी, इन्होंने हमारे जो टारगेट 1 था 3,678 का, यहाँ पे रिजेक्शन जो है वो क्रिएट किया एंड देन उसके बाद में एक बहुत अच्छा सा फॉल जो है वो इस स्टॉक में आज के दिन में हमें देखने को मिला था। अराउंड इस लेवल हमारा जो टारगेट है वो एक्टिवेट हो गया था एंड देन अराउंड टारगेट 2 जो है वो इसमें हम लोग को देखने को मिला था, यानी कि पी साइड में एक अच्छा प्रॉफिट हम लोगों को देखने को मिला है। तीसरी ब्रेकआउट स्टॉक जो आज के दिन के लिए हम लोगों ने डिस्कस की थी वो थी हीरो मोटो की। इस स्टॉक के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो इस स्टॉक में हम लोगों को एंड ऑफ द डे काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिला। यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हुई थी लेकिन लो नहीं गया था एंड अगेन यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हुई थी लेकिन लो नहीं गया था, तो सेल साइड में कोई एंट्री एक्टिवेट नहीं हो गई थी और बाय साइड में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आज हम लोग को देखने को मिला था। ओवरऑल अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो हमारी जो 99% की एक्यूरेसी है इन लेवल्स के साथ में वो आज भी बरकरार है और कोशिश रहेगी इसे ऐसे ही कंटिन्यू रखने की। चैनल पे अगर नए हैं दोस्तों, तो ऐसे लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दे करके रखा हुआ है, जहाँ पे आप लोग मुझे लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए ज़रूर फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोग ने अभी तक वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया हुआ है तो ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, और एक चीज़ गाइस, अगर से आप लोग मेरी प्रीमियम सर्विसेज को फ्री ऑफ कॉस्ट में पाना चाहते हैं, अगर से आप लोगों ने नहीं देखी है मेरी एक्यूरेसी, तो एक बार YouTube को स्क्रॉल करके देख लीजिए और Telegram को भी स्क्रॉल करके देख लीजिए। मेरी प्लैटिनम प्रीमियम सर्विसेज जो कि स्पेशलाइज्ड है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शंस पे, इसे आप लोग कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है वो पा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अकाउंट ओपनिंग का। आप लोग को एक नया डीमैट अकाउंट जो है वो ओपन करना होगा मेरे दिए गए लिंक थ्रू और आप लोग मेरी प्रीमियम सर्विसेज को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, बाटा इंडिया कल के दिन की हमारी पहली ब्रेकआउट स्टॉक होने वाली है। स्टॉक में एंड ऑफ द डे काफ़ी अच्छा वॉल्यूम जो है वो ट्रेड हुआ है और स्टॉक में यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी हमें दिखाई दे रहा है। 1740 के ऊपर स्टॉक बुलिश रहेगा, 1748, 1760 और 1773 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 1730 स्टॉप लॉस रहेगा।
इनके स्टॉक अगर अपसाइड में नहीं जाता है तो 1730 के नीचे वीक है, 1723, 1715 और 1703 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 1740 स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा ब्रेकआउट स्टॉक कल के दिन के लिए जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया है वो है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ का। स्टॉक में हम लोगों को यहाँ से ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस और डाउनसाइड से एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है और इसके बीच में स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है। हाल फिलहाल में एकदम सेंटर लोकेशन दोनों ट्रेंड लाइन से आकर के खड़ा है और एंड ऑफ द डे एक अच्छा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, यानी कि आइदर किसी भी साइड में ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटीज़ है। 2395 के ऊपर स्टॉक बुलिश रहेगा, 2407, 2421 और 2437 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 2383 स्टॉप लॉस रहेगा। इनके स्टॉक अपसाइड में नहीं जाता है तो 2383 के नीचे वीक है, 2373, 2358 और 2341 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 2395 स्टॉप लॉस रहेगा। और तीसरा ब्रेकआउट स्टॉक कल के दिन के लिए जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया है दोस्तों वो है ACC का। इस स्टॉक में भी एंड ऑफ द डे काफ़ी अच्छा वॉल्यूम जो है वो ट्रेड हुआ है और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का काफ़ी अच्छा सपोर्ट इस स्टॉक ने क्रिएट किया हुआ है। 1983 के ऊपर स्टॉक बुलिश रहेगा, 1991, 2002 और 2017 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 1974 स्टॉप लॉस रहेगा। इनके स्टॉक अपसाइड में नहीं जाता है तो 1974 के नीचे वीक है, 1967, 1958 और 1945 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 1983 स्टॉप लॉस रहेगा। दोस्तों अगर से बात करेंगे कल के दिन की यहाँ पे मेरे मार्केट प्रेडिक्शन के बारे में, तो निफ्टी में कल जो हम लोगों ने एनालिसिस किया था यहाँ से ट्रेंड लाइन रिजेक्शन का, आज कंप्लीट साइडवेज मार्केट था लेकिन कंप्लीट नैरो रेंज होने के बावजूद यहाँ पे हम लोगों को अपसाइड में ब्रेकआउट जो है वो देखने को नहीं मिला है, मार्केट यहाँ से सीधा नीचे ही आ चुका है। सो कल के दिन के लिए जो मेरा व्यू रहेगा मिड कैप की एक्सपायरी पे वो भी अगेन PE साइड का ही रहेगा, यानी कि नेगेटिव ट्रेंड में मार्केट कल रह सकता है। 19,400 के नीचे निफ्टी यहाँ पे वीक रहेगी, 19,360, 19,308, 19,254 और 19,207 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगी, तो 19,447 के ऊपर निफ्टी बुलिश रहेगी, 19,494, 19,556, 19,610 और 19,675 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स होने वाले हैं। अगर से यहाँ पे बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन का बहुत ही अच्छा रिजेक्शन जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है एक अच्छे से वॉल्यूम के साथ में, तो कल नेगेटिव ट्रेंड मार्केट में बने रहने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। 44,030 के नीचे बैंक निफ्टी वीक रहेगी, 43,937, 43,830, 43,723 और 43,602 यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स होने वाले हैं, तो 44,117 के ऊपर बैंक निफ्टी बुलिश रहेगी, 44,204, 44,322, 44,456 और 44,606 यहाँ पे हमारे अपसाइड के लेवल्स होने वाले हैं। सो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं कल के दिन के मेरे बेहतरीन तीनों ब्रेकआउट स्टॉक्स, साथ ही हम लोगों ने डिस्कशन किया है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के, कल के दिन के मेरे मैजिकल लेवल्स का, कल के दिन के प्रेडिक्शन के साथ में। चैनल पे अगर नए हैं दोस्तों तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दे करके रखा हुआ है, जहाँ पे आप लोग मुझे लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए ज़रूर फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया हुआ है तो ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।